हाँ सीन खत्म हो गया गाइस, बिल्कुल ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ मम्मी वगैरह भी आए, उनका आवाज आ रहा है क्या तुमको? यस ठीक है, चलो यहाँ पे देख लो गाइस, सब लोग देखो। सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो गाइज, अभी जो हम लोग सेशन करेंगे ठीक है, मतलब ये एडवांस प्लस सेशन है, लेकिन कुछ कुछ जो सेशन होते हैं ठीक है, मतलब सॉरी कुछ कुछ जो टॉपिक्स है आज के सेशन में, मोस्टली कंसेप्चुअल एडवांस के क्वेश्चंस, मतलब का ये रहेगा ठीक है, मतलब कुछ कंसेप्ट मैंने छोड़े हुए हैं राइट गाइज, जो मतलब अपने को करने, और फिर अगला वाला जो लेक्चर होगा दैट इज एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्विंग एडवांस प्लस वाला लेक्चर, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको बोला था ना, दो एडवांस प्लस सेशन रहेंगे रे ऑप्टिक्स के ऊपर, फिर बाद में शशांक सर भी लेते रहेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन शशांक सर भी लेंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन लेते रहेंगे वो ठीक है। हाँ तो गाइज आज मतलब अभी का जो सेशन है गाइज ठीक है, थोड़ा सा कुछ कुछ लोगों को बाउंसर जा सकता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाउंसर गया तो भी चलेगा, सुनते रहो ठीक है, सुनते रहो। पहले तो मैं सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिखता हूँ, जो भी फॉर्मूले अपन ने पढ़े थे सारे फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिखता हूँ ठीक है, कितने कितने फॉर्मूले हम लोग ने पढ़े, क्या क्या आपको याद रखना है ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, पहले मिरर के लिए क्या याद रखना था, देखो मिरर के लिए 1/v + 1/u = 2/r = 1/f, ये था मिरर के लिए, याद है सबको ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये था मिरर ठीक है। मैग्निफिकेशन का भी रखता हूं, मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वी बाय यू ठीक है, अब वी बाय यू में यहाँ पे माइनस साइन डालने का ठीक है। तो ये हो गया मिरर। लेंस के लिए क्या था ठीक, सॉरी मिरर के बाद रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस ठीक है, अब एक मिनट, रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस से अच्छा मैं पहले लेंस लिख देता हूँ ठीक है। लेंस के लिए क्या था, तो लेंस के लिए 1/v - 1/u = 1/f ठीक है, एंड 1/f = क्या, 1/f = क्या होता है, μ2 - μ1 / μ1 1/r1 - 1/r2, इसमें हर एक टाइप के लेंसेज भी हो जाते हैं ठीक है। अब दोनों में पावर, पावर का देखिए, पावर ऑफ मिरर एंड पावर ऑफ लेंस का भी फॉर्मूला अलग था। व्हाट इज पावर ऑफ मिरर, पावर ऑफ मिरर जो होता है वो होता है -1/f, ध्यान में रखना गाइस, पावर ऑफ मिरर इज व्हाट, -1/f, साइन होती है -1/f, डायोप्टर डी ठीक है। और पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, 1/f राइट, पावर ऑफ लेंस क्या होता है गाइस, 1/f। तो ये आपको सबको समझ में आया, मतलब ये मिरर एंड लेंस का फॉर्मूला आपके दिमाग में रहेगा गाइस, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस का फॉर्मूला, ये हो गया ठीक है, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह सब कुछ हो गया। रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल सरफेस ठीक है, ये फॉर्मूला भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस वाला ठीक है, सो रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस, फिर उससे ही क्या निकल जाएगा गाइस, उससे ही अपना क्या निकल जाएगा, तो रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस के लिए मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पे ठीक है, μ2 - μ1 / u = μ2 - μ1 / r ठीक है। और इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v/μ2 ठीक है, v/μ2 डिवाइड बाय u/μ1। फिर उसके बाद सपोज प्लेन, मतलब सपोज ये सिंगल सरफेस का r सपोज इनफाइनाइट रहेगा ऐसे, मतलब स्ट्रेट रहेगा, तो डायरेक्टली v = क्या हो जाएगा, μ2 / μ1 × u, r की वैल्यू इंफिनिटी ले लो, तो ये सब उससे डिराइव हो जाते हैं। सिमिलरली यहां से भी अलग 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 लेंसेज बनते हैं, मिरर बनते हैं राइट, कॉनकेव कॉन्वेक्स, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग, ये वो समझ में आ रहा है। चलो ये तीन फॉर्मूले तो एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट थे ठीक है। फिर कुछ कुछ चीजें जो अपने को याद रखनी होती है, जैसे कुछ कुछ चीजें जो अपने को याद रखने के लिए मैंने आपको बोली थी ठीक है, स्नेल्स लॉ ठीक है। सो व्हाट इज स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ एकदम सिंपल ठीक है, sin i / sin r = क्या, μ2 / μ1 राइट, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ भी डायरेक्टली कभी कभी काम में आता है गाइस। और स्नेल्स लॉ कब काम में आएगा, देखो स्नेल्स लॉ कब काम में आएगा, जब रेज पैरेक्सियल नहीं रहे, देखो ये सारे फॉर्मूलास कब काम में आएंगे, जब रेज पैरेक्सियल रहेंगे, पैरेक्सियल
स्नेल्स लॉ जो आप बचपन में पढ़ते थे वो कब काम में आएगा, जब रेज पैरेक्सियल नहीं मार्जिनल रहेंगे, बराबर गाइस। तो रेज मार्जिनल के लिए स्नेल्स लॉ काम में आता है। स्नेल्स लॉ के बाद कौन सा लॉ है, ठीक है, यस बिल्कुल। अब उसके बाद मैंने ग्लास स्लैब के लिए आपको बोला था, ये कुछ कुछ चीजें जो अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में आएगी, जैसे ग्लास स्लैब के अंदर के वैसे शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब, क्या होती है वो शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब, जो शिफ्ट होती है, जो शिफ्ट मतलब क्या, पूरे इमेज में जो ऑब्जेक्ट एंड इमेज में शिफ्ट होती है वो कितनी होती है, ठीक है, टी इंटू वन माइनस वन बाई म्यू, बराबर कि नहीं। बट ये फॉर्मूला कब काम में आएगा, वन माइनस वन बाई म्यू, जब वो ग्लास स्लैब एयर में रखी हुई, ठीक है, बाकी कुछ अलग दिया रहेगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करके रखना पड़ेगा, राइट। चलो तो ये एक अलग से अपने को करना पड़ा गाइस, ठीक है। और इसके बाद मैंने और एक चीज बताई थी, कौन सी वाली, अपना लास्ट वाला कौन सा, प्रिज्म वाला, मिनिमम डेविएशन वाला एंड प्रिज्म वाले तीन फॉर्मूले। तो मैं यहाँ पे प्रिज्म करके लिख देता हूँ, जो मैंने पिछले इसमें ही पढ़ाया था और मैंने वो लिख के भी दिया था आपको, पूरे के पूरे प्रिज्म वाले सारे के सारे फॉर्मूले, राइट गाइस। बस काम खत्म, इतना ही चीज है जो आपको दिमाग में रखना है। मैं प्रिज्म वाला यहाँ पे नहीं लगता, मैं जस्ट एक छोटा सा आपको एक रिकैप हो गया क्या 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 अपने के लिए यहाँ पे था। देखो प्रिज्म मैंने यहाँ पे लिखा भी था शायद, प्रिज्म ऐसे गायब हो गया शायद, पता नहीं, ठीक है छोड़ो, अभी प्रिज्म शायद मैंने सेव नहीं किया, वो तो गायब हो गया, ठीक है। चलो अब इतना होने के बाद अब दो से तीन थोड़े से एक लेवल अप, मतलब मैंने अभी बेसिक तो आपको बता दिया, ठीक है, पूरा का पूरा बेसिक रे ऑप्टिक्स हो गया। अब वन लेवल अप में क्या होता है, तीन चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे, तीन चीजें। पहली चीज क्या रहेगी गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो, पहली चीज रहेगी यहाँ पे, ओके स्क्रीनशॉट ले लो, ओके स्क्रीनशॉट ले लो, ये एक दिन एक साथ में आपको काम में आएगा। जैसे रिवीजन आपको करना है पूरे के पूरे इसका, इतना पढ़ने का आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। प्रिज्म का आप खुद लिख दो यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। चलो गाइस हो गया आपका, ओके। अब एक-एक वन बाय वन गाइस, वन बाय वन सब चीजों को अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम लोग पहले वाला सेक्शन देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक है। मतलब सपोज ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, हाउ टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे पूरा सेक्शन जो होगा, हाउ टू फाइंड ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज। इसमें अलग 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 केसेस हम लोग देखेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, बहुत सारे केसेस, बहुत सारी चीजें, बट सब कुछ सेम रहेगा। मतलब निकालने का जो तरीका है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज का जो निकालने का तरीका है वो सेम रहेगा, सेम मतलब सेम, ठीक है। तो पहले तो एकदम सिंपल गाइस, पहले मिरर का देखो मिरर का अलग होगा, लेंस का अलग होगा, और इवन रिफ्लेक्शन का भी होगा। फॉर्मूला सबके लिए बनेगा, ठीक है, वो कैसे बनेगा वो आप लोग देखो, इसमें कोई भी फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, मैं आपको वापस बता रहा हूं, याद नहीं रखना, ठीक है। चलो तो गाइस अब यहां पे देखो, पहले हम लोग देखते हैं मिरर, ठीक है। तो मिरर में अपने को पता है तीन टाइप के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। तो जो कर्व वाले मिरर होते हैं वो एक बकेट में डालेंगे, और प्लेन मिरर एक बकेट में डालेंगे, ठीक है। तो मिरर यहां पे देखो, अब मैंने सपोज मिरर ले लिया, ठीक है, और मिरर में भी प्लेन मिरर ले लिया, जैसे ऐसा, ये मेरा प्लेन मिरर है। तो पहले मुझे एक बात बताओ, ठीक है, सब लोग पहले एक मिनट, सॉरी, पहले मैं इसको ना निकाल देता हूं, सब यहां पे देखो, ये मेरा मिरर है। देखो दो मैंने चीजें यहां पे लिखी, पहले तो मुझे बताओ, सपोज एक ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट है ओ, ऑब्जेक्ट इधर है, तो मुझे पता इमेज कहां पे आएगी, इधर आएगी कि नहीं, सेम डिस्टेंस पे आएगी कि नहीं, ऑब्जेक्ट एंड इमेज सेम डिस्टेंस पे होता है कि नहीं। हाँ, तो अब मुझे बताओ, सपोज ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेट्स से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो मुझे बताओ इमेज भी कितने से मूव करेगी, क्या लगता है आपको, ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से मूव करे तो इमेज भी कितने से मूव करेगी, 2 मीटर पर सेकंड से, 2 मीटर पर सेकंड से मूव करेगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ,
इसी चीज को अब किसी ने बोला ये तो देखो परपेंडिकुलर मूव हो रहा है, कोई बोलेगा सर ऑब्जेक्ट जो है पैरेलल मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो इमेज भी यहां पे कैसे मूव करेगी, इमेज भी यहां पे कैसे मूव करेगी बताओ, जो इमेज होगी यहां पे वो भी 2 मीटर पर सेकंड से पैरेलल मूव करेगी। ये समझ में आ रहा है क्या, ये समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, कोई बोलेगा सर इसको मैथमेटिकली लिख के बताओ ना, जरा इस चीज को मैथमेटिकली थोड़ा सा लिख के बताओ हमको, चलो तो मैथमेटिकली लिख के बताता हूं सब लोग यहां पे देखो। ठीक है, अब इसको सपोज मुझे मैथमेटिकली लिख के बताना है तो क्या करूंगा मैं, सिंपल, किसी को वी और यू का फॉर्मूला पता है क्या? नाउ लेट्स सी इफ यू इज ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे मैंने यहां पे लिखा यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड दिस वी इज इमेज डिस्टेंस, तो यहां पे यू और वी का फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू माइनस यू, याद है? अरे भाई 1/v + 1/u = 2/r r = infinity, 1/v + 1/u = 2/r ना, एंड मैंने बोला r टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1/∞ जीरो हो गया, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस यू आ गया कि नहीं भाई, v इज इक्वल टू माइनस यू आ गया कि नहीं, अब v इज इक्वल टू माइनस यू आ गया, राइट? यस बिल्कुल, अब v इज इक्वल टू सपोज माइनस यू आ गया, अब यहां से निकाल दो, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो v इज इक्वल टू माइनस यू आ गया है, सब लोग यहाँ पे देखो, ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे बोला v इज इक्वल टू माइनस यू, बट मुझे वो तो यहाँ पे अब यहाँ पे कंफ्यूजन गाइस, काइनेमेटिक्स में v को क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स को v को क्या बोलते हैं, v को काइनेमेटिक्स में फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, तो अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे v और u जो है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस भाई डिस्टेंस है, अरे v और u क्या है यहाँ पे, u क्या है यहाँ पे डिस्टेंस, v भी क्या है डिस्टेंस, बस कौन सा डिस्टेंस, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ पे क्या बोलेंगे इमेज डिस्टेंस, आपको समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो अब एक सिंपल चीज मुझे एक बात बताओ, हम लोग यहाँ पे आप कैसे लिखते थे, सपोज मैंने बोला x इज इक्वल टू y, तो मैंने बोला dx/dt, व्हाट इज dx/dt क्या होता है, फिर dx/dt क्या होता है, dy/dt क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या मिलेगा यहाँ पे वेलोसिटी, वेलोसिटी डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेशन डेरिवेटिव सबको पता है आपको, तो ये हो जाता है वेलोसिटी x, और एक चीज क्या हो जाएगी वेलोसिटी y हो जाएगी कि नहीं, वेलोसिटी y हो जाएगी कि नहीं, हाँ, तो मुझे बताओ मैंने सपोज v इज इक्वल टू u दिया है, माइनस u दिया है, और v इज डिस्टेंस, अगेन दिस इज डिस्टेंस, लगे दिस इज डिस्टेंस, u इज डिस्टेंस, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो dv/dt इज इक्वल टू माइनस du/dt, तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, वेलोसिटी, गाइस ध्यान में रखना, दिस इज नॉट वेलोसिटी, दिस इज नॉट वेलोसिटी, दिस इज डिस्टेंस, v और u, जैसे x और y डिस्टेंस है ना, तो x की जगह मैंने सिर्फ यहाँ पे u लिखा है, और y की जगह मैंने मतलब यहाँ v लिखा है, और इसमें u लिखा है, बस मतलब कोई भी कुछ भी कर सकते हैं, कंफ्यूज होगा आपको तो, बट डोंट गेट कंफ्यूज, सो dv/dt इज नॉट एक्सेलरेशन, बिकॉज दिस v हियर इज डिस्टेंस, ठीक है, तो dv/dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ क्या, वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, इमेज इज इक्वल टू, ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, dv/dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ क्या, वेलोसिटी ऑफ क्या, ऑब्जेक्ट, और मैं वेक्टर सिंबल डालूंगा, वेक्टर सिंबल डालूंगा, तो दोनों जगह माइनस साइन आएगा कि नहीं गाइस, यहाँ पे माइनस साइन आएगा कि नहीं, पहले ये बताओ यहाँ पे सिंबल क्या आएगा, यहाँ पे सिंबल क्या आने वाला है, माइनस, माइनस सिंबल, ठीक है, चलो तो मैं ये आपको जस्ट समझने के लिए बताया मैंने, तो आपको सबको पता है v इज इक्वल टू माइनस यू होता है, ठीक है, और ये डिस्टेंस होता है, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ले लो, तो डेरिवेटिव लेंगे तो dv/dt का डेरिवेटिव क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपको समझ में आ रहा है सबको गाइस, और आपको दिख रहा है ना यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का जो माइनस वेक्टर होगा, मतलब ये 2i कैप होगा, तो ये -2i कैप होगा, दिख रहा है कि नहीं आपको, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, तो मुझे आता है प्लेन मिरर का तो एकदम इजी है कि नहीं, प्लेन मिरर का एकदम इजी है कि नहीं भाई, प्लेन मिरर का तो एकदम इजी है, हाँ, बट ये कौन सा, गाइज 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 ध्यान में रखना, ये मैं कौन सा कंपोनेंट, वेलोसिटी कौन सा कंपोनेंट को ये लगा रहा हूं मैं,
तो मेरा ये जो रूल है वो किसके लिए वैलिड है बताओ मुझे, कौन से के लिए, ठीक है, किसके लिए, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मुझे बताओ, पैरल, जो जो मिरर के पैरल जो होती है वेलोसिटी, जो मिरर के सपोज पैरल जो वेलोसिटी है उसका क्या हो रहा है, उसका देखो जो पैरल होता है ना गाइस वो कुछ नहीं, हाँ वेलोसिटी ऑफ इमेज, यस, तो पैरल के लिए गाइस, पैरल के लिए आपको क्या दिख रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, सो फॉर पैरल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, या वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, बराबर की नहीं, उल्टा लिखता हूं मैं क्योंकि अपने को इमेज की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, सो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब कोई तुम लोग बोलोगे सर ये सब डेरिवेटिव वेरिवेटिव क्यों किया आपने, इसके तो करने की जरूरत है ना, मुझे तो प्लेन मिरर में कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं है, लेकिन कर्व मिरर में है, वो अभी आने वाला है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ध्यान में रखना, वेलोसिटी का जो कंपोनेंट पैरल परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, उसके लिए ये वैलिड होगा और पैरल के लिए ये वैलिड होगा, इतना मुझे होता समझ में आया, इतना मुझे समझ में आया, जरूरी नहीं है इसमें, मतलब खास करके तो इसमें तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, मतलब आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने दूंगा मैं, ठीक है, मैं एग्जांपल दूंगा, मैं एग्जांपल देता हूँ फिर लिखो आप लोग, मैंने एग्जांपल लिया था एग्जांपल वन, सब लोग यहाँ पे देखो, दो एग्जांपल, मतलब एक ही एग्जांपल पे दो लेता हूँ मैं अभी, किसी ने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है जो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, दिस माय ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकंड, तो मुझे होता है इमेज भी कितने से मूव करेगी, फाइन वेलोसिटी ऑफ इमेज, अरे डायरेक्ट ना ये 5 मीटर से, तो डायरेक्टली मूव कितनी करेगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी कितना, 5 मीटर पर सेकंड, इस तरीके से This is going away, तो ए भी गोइंग अवे, माइनस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, किसी ने बोला यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी ने बोला ऑब्जेक्ट इज मूविंग लेट्स से 4 मीटर पर सेकंड पैरेलली, पैरेलली, तो मुझे बताओ इमेज भी कैसे होगी, इमेज भी कितनी होगी, इमेज भी कितनी होगी यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड, इमेज इज मूविंग विद दिस, बट वही क्वेश्चन में मैंने सपोज ऐसे पूछा, अब यहाँ पे सब लोग देखो, नाउ सपोज समवन इज मूविंग With some angle, let's say with angle, let's say angle, and let's say 10 meter per second में angle में जा रहा है, ठीक है? कोई बिना दिमाग लगा के, आप लोग को भी पता है ये object होगा, तो image जो होगी ना image, बिना दिमाग लगा के आप बोल सकते हो गाइस, बिना दिमाग लगा के आप बोल सकते हो, image में कैसे move करेगी, 10 meter per second से ही move करेगी कि नहीं इस angle में, ये आपको समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि प्लेन मिरर के लिए भाई इजी है, प्लेन मिरर के लिए ना आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो वी माइनस यू वगैरह लिखने की भी जरूरत नहीं है, आई कैप जे कैप में आंसर चाहिए तो आई कैप जे कैप में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आई कैप जे कैप में भी आप आंसर लिख सकते हो, सो जो कुछ एंगल दिया रहेगा वो एंगल का आई कैप एंड जे कैप में इसको डिव, मतलब जैसे यहाँ पे प्लस आई कैप प्लस जे कैप, यहाँ पे प्लस एफ इमेज क्या हो जाएगी, माइनस जे कैप, सॉरी माइनस आई कैप प्लस जे कैप हो जाएगा, राइट गाइस, कंपोनेंट्स अगर निकाल के कर सकते हो, ये आपको समझ में आ रहा है क्या, ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, चलो, तो ये तो मैंने एग्जांपल भी आपको बता दिया, ठीक है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने वाले हैं, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लो, ठीक है, तो पहले आप इतना लिख दो, ये एक चीज जो मैंने यहाँ पे अभी बॉक्स बना रहा हूं, ठीक है, और ये एक चीज, दिस इज फॉर व्हाट, पैरेलल, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज व्हेन the velocity is parallel to, यहाँ पे देखो मतलब इस केस में velocity parallel to mirror and यहाँ पे velocity perpendicular to mirror, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना, ये दो केसेस मैंने लिखा है जहां पे ये और ये फॉर्मूला काम में आएगा, ठीक है, प्लेन मिरर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली आप कर सकते हो, अब उमेश शुद्ध समझ ले कि साइन कन्वर्शन उल्टा क्यों हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है तुझे v इज इक्वल टू माइनस यू, डिफरेंशिएट करेगा तो यहाँ पे माइनस साइन रहता है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो दिख रहा है ना ऐसे ही जा रहा है, ठीक है, अब सब लोग देखो यहाँ पे, अब कोई बोलेगा सर कर्व मिरर आइदर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, मुझे बता v इज इक्वल टू माइनस यू जो फॉर्मूला है मिरर के लिए, जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए फॉर्मूला क्या था, चलो पहले इतना लिख दो, पहले लिखा क्या आपके, ये हो गया क्या गाइस, ये हो गया क्या, ये हो गया क्या, फटाफट लिखो, चलो
क्योंकि मुझे वो लेंस को भी, लेंस के साथ भी आपके खेलवाना, मतलब लेंस को कट करने से क्या होता है वगैरह, वो भी सब बता रहे हैं। वरद वो बाद में, वरद वो बाद में, अब वो भी मैं बताने वाला हूँ, रुको पहले, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, ठीक है। अद्वैत, अद्वैत संकेत, तू मुझे मैसेज कर, मैसेज जरा व्हाट्सएप पे। रुस्तम जी, रुस्तम जी के आईजी स्टूडेंट, जो आईजी रुस्तम जी में जो आईजी स्टूडेंट है कुछ, मतलब तो कुछ आईजी स्टूडेंट गाइस मुझे एक हाय हेलो कर देना जरा, मतलब अपनी इस पे जो टेंथ में आईजी बोर्ड में थे, जो व्हाट्सएप पे हाय हेलो कर देना। सो गाइज यहां पे सब लोग देख लो, ये मिरर हो गया, ठीक है। अब मिरर के साथ साथ, अब गाइज 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 अब थोड़ा सा गाइज, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, ठीक है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, सब लोग यहां पे देखो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो मिरर, मुझे बताओ इसके लिए फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, किसी को याद है क्या फॉर्मूला क्या था, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर का फॉर्मूला क्या था? दो फॉर्मूला थे गाइस, दो फॉर्मूला, एक क्या, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 2/r, ये फॉर्मूला था बराबर, हाँ, और हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या था, -v/u, ये फॉर्मूला था। अरे सबको गाइस ये दो फॉर्मूला थे, मैग्निफिकेशन और ये याद है सबको, ठीक है। थोड़ा सा अब मैं इसका डेरिवेटिव थोड़ा सा आपको इसमें, मतलब कोई बोलेगा सर ये थोड़ा सा समझने को, कुछ कुछ लोगों को थोड़ा तकलीफ होता है, कोई मुझे एक बात बताओ गाइस, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, व्हाट इज 1/x का डेरिवेटिव, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, व्हाट इज 1/x का डेरिवेटिव, मतलब किसने बोला सर 1/x है, 1/x इज इक्वल टू व्हाट, नहीं नहीं डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं, तो व्हाट इज dy / dt, dy / dt क्या लिखूंगा मैं, What is dy by dt? 1/x का डेरिवेटिव क्या लिखूंगा मैं? 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? अरे ln नहीं होता। 1/x का डेरिवेटिव x to power minus 1, x to power minus 1, minus 1 divided by, तुम लोग को यार x to power minus 1 होता है ना, तो minus 1, x to power minus 1, minus 1, तो यहाँ पे क्या होगा? minus 1 x by x square, बराबर कि नहीं? तो 1/x का डेरिवेटिव is minus 1/x square, और ठीक है, ये तो नॉर्मल डेरिवेटिव है, ये तो मैंने dy / dx करवाया, तो किसी ने बोला सर, किसी ने बोला y इज इक्वल टू 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, व्हाट इज dy / dx, dy / dx क्या होगा, माइनस 1/x स्क्वायर, सबको याद है, सबको अभी मतलब याद है क्या, अभी सपोज नहीं याद है तो अभी समझ में आ गया, राइट, ये तो आ गया बराबर, तो dy / dx ये होता है, तो मुझे होता dy / dt क्या होगा, dy / dt क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल क्या होता है, माइनस 1/x स्क्वायर तो होगा ही होगा, इंटू डीएक्स बाई डी टी होगा, ये समझ में आ रहा है क्या, मुझे एक बात बताओ डीवाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डीवाई बाई डी एक्स ये होगा, तो डीवाई बाई डी टी क्या होगा, ये तो यही रहेगा डीएक्स बाई डी टी बराबर, चेंज रूल टाइप राइट, तो मुझे बताओ ये सबको समझ में आया है क्या, ये सबको समझ में आ रहा है क्या, सबको समझ में आ रहा है, हाँ, तो अब एक बात बताओ सब लोग यहां पे देखो, सब लोग यहां पे देखो 1/x, अब मैं आपको एक और चीज पूछता हूं, किसी ने पूछा मेरे को ये बाद में, मैं आज थोड़ा सा एडवांस लेक्चर में भी थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये लेक्चर मुझे सबको दिखाना है, अगले वाला जो मेरा लेक्चर होगा रे ऑप्टिक्स का, वो प्योर एडवांस प्लस रहेगा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग लेवल के डिफिकल्टीज के मैं कराऊंगा उसमें, ठीक है, और अपना पूरा 2 साल तो चलता ही रहेगा ना, जैसे मैकेनिक्स रे ऑप्टिक्स हीट एंड थर्मो ऐसा कॉम्बिनेशन के अच्छे कुछ कुछ में, और कुछ कुछ फैकल्टीज के ऊपर लेक्चर लगाने वाला हूँ, जिनका काम ही सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े फैकल्टीज, राइट, जो आपके ऊपर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, बाद में अभी नहीं, अभी लगाएंगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, अलग अलग लोग गाइस, ठीक है, मतलब कुछ कुछ मतलब एक बार देखो, एक बार मेरा काम क्या है,
मेरा काम क्या, आपका बेस बनाना। एक बार आपका बेस स्ट्रांग हो गया, ठीक है, बेस स्ट्रांग हो गया, थोड़ा सा अपर लेवल हो गया, फिर अपर लेवल के क्वेश्चंस करने के लिए तो बहुत सारे फैकल्टीज है गाइस, ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे फैकल्टीज है जो आपको, अब सब तो मैं नहीं करा सकता, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्विंग मैं ही कराऊंगा, पढ़ाऊंगा मैं ही, तो भाई बहुत सारी मास्टर क्लास संभालना है हमको गाइस, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, 1 by x plus 1 by y is equal to, let's say मैंने 2 by r, ऐसा करके एक मैंने दिया, where r is constant, ये constant है, और बोला चलो इसका differentiation करो, तो क्या आएगा, differentiation with respect to time करो, तो क्या आएगा, 1 by x का derivative क्या होगा, 1 by minus 1 by x square, इसका derivative करो, dx by dt, ये समझ में आ रहा है क्या, इसको differentiate करेंगे अपन, इसको differentiate करेंगे with respect to t, तो क्या आएगा, माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर डीएक्स बाय डीटी, अभी तो देखा अपन ने, वन बाय वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, वन बाय वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस वन बाय वाई स्क्वायर डीवाई बाय डीटी होगा कि नहीं, बराबर, इसका डेरिवेटिव ये होगा, इसका डेरिवेटिव ये होगा, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, ये तो पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, जीरो होता है कि नहीं, जीरो होता है कि नहीं, तो मुझे बताओ यहां पे जो मेरा आंसर आया, सो व्हाट इज डीएक्स बाय डीटी, डीएक्स बाय डीटी को हम लोग क्या बोलते हैं, अरे dx by dt को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी x, तो ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ x, यहाँ पे माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इसको यहाँ पे लेके जाओ, ये वन बाय वाई स्क्वायर वेलोसिटी y, ये सब समझ में आ रहा है, इस तरीके से कुछ समझ में आ रहा है, vx by, फिर किसी ने बोला सर vx की वैल्यू, तो vx इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर vy, ये सब कुछ मतलब जो मैं लिख रहा हूँ ये सबको आपको समझ में आ रहा है क्या, बस मुझे एक बात बताओ, सपोज x के जगह मैंने u डाल दिया, x के जगह जो डिस्टेंस हो इसकी जगह मैंने u डाल दिया, इसके जगह मैंने v डाल दिया, तो ये जो dx by dt जो है ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, ये u है ये v है, तो ये वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये जो है ये वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा, बराबर की नहीं, बट x की जगह मैंने u डाला है तो u square v square, तो एक्चुअल में आप देखा जाए तो किसी ने को velocity of image चाहिए, तो velocity of image चाहिए, तो y square इधर लेके आओ x square, y और x की जगह v डाला है ना, तो minus v square u square velocity of object, इस टाइप का कुछ फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ मुझे, इस टाइप का कुछ फॉर्मूला बनेगा कि नहीं, ये फॉर्मूला नहीं है गाइस, मतलब कुछ लोग इसको फॉर्मूला बना के याद रख देते हैं, लेकिन इतने सारे कुछ फॉर्मूला थोड़ी काम में आने वाले गाइस, तो जे एडवांस वगैरह में सब फॉर्मुलाज काम नहीं आएगा, मेथड काम में आएगा, किसी को सपोज वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट चाहिए तो खटाखट डिफरेंशिएट करो ना, डिफरेंशिएट करने को नहीं आता क्या तुमको, डिफरेंशिएट करने को नहीं आता क्या, कुछ लोग उसको फॉर्मूला बना देते हैं, फॉर्मूला मत बनाओ, बुक्स में रहेगा फॉर्मूला बना के, इतना सारा फॉर्मूला 30 chapters पढ़ोगे 90 chapters पढ़ोगे थोड़ी याद रहने वाले तुम लोग, ठीक है, कुछ लोगों का मेमोरी बेस अच्छा है तो याद रख दो, जिन लोगों का मेमोरी बेस अच्छा है याद रखो, नहीं तो याद रखने की जरूरत नहीं, तो मुझे बताओ इसमें मैंने क्या किया, अब सब लोग सुनो गाइज, सब लोग ध्यान से सुनो, ठीक है, यहां पे देखो, v और u 2 by r सेम चीज, डिफरेंशिएट, डेरिवेटिव ले लो, मैं करूंगा यहां पे, तो 1 by v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सब लोग यहां पे देखो, माइनस 1 by v स्क्वायर बराबर dv अपॉन dt, और इसका डेरिवेटिव क्या, माइनस 1 by u स्क्वायर du अपॉन dt इक्वल टू क्या, जीरो, सबको समझ में आ रहा है, सेम चीज मैंने यहाँ पे लगाई, मतलब आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए v और u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस होता है ये u एंड v, तो अब मुझे यहाँ पे बताओ ये क्या हो गया मेरा, वेलोसिटी ऑफ क्या हो गया गाइस, तो ये जो चीज हो गई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लेके चलो, तो अब मैं यहाँ पे जो मेरा फॉर्मूला आएगा, so velocity of image, ठीक है, vector, सब यहाँ पे लेके जाओ, v square यहाँ पे लेके जाओ, minus v by v square by u square velocity of object, देखो guys, ये सबको समझ में आ रहा है कि मैंने क्या किया है, देखो plane mirror में एकदम सिंपल था, plane mirror में कुछ नहीं, plane mirror का देखो, plane mirror तो एकदम सिंपल था, कुछ बोला सर plane mirror में थोड़ी कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, v और u है, मुझे पता है डायरेक्टली ऐसा आने वाला है, तो plane mirror में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर में करनी पड़ेगी क्योंकि फॉर्मूला ये है, तो ये गाइस वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, बट मुझे बताओ ये फॉर्मूला कहां पे वैलिड होता है, व्हेन वेलोसिटी, अब मैं वहां पे यहां पर लिख रहा हूं, यहां पे देखो
वेलोसिटी ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बराबर ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल टू क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। आपको समझ में आ रहा है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के सपोज पैरेलल होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा कि नहीं, मतलब ये जो फॉर्मूला मैंने यहां पे अभी बनवाया, सब लोग यहां पे देखो, फिर मैं वापस रब करने वाला हूं। मतलब एक कॉनकेव मिरर है और मैंने बोला कि मेरा ये ऑब्जेक्ट है और दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ लेट्स से 2 मीटर पर सेकंड, तो बोला इमेज कैसे मूव करेगी, तो मुझे होता है इमेज जो मूव करेगी गाइस, इमेज जो मूव करेगी वो निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट कैसे, ऑब्जेक्ट मूव करेगा 2 मीटर पर सेकंड, तो वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, तो वी और यू पता होना चाहिए, ये वाले फॉर्मूला से तो इमेज का जो होगा वो 2v लगा के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सबको समझ में आ रहा है, एक काम करता हूँ, रुको, तुम लोग बोलोगे सर नहीं नहीं आप एक एग्जाम्पल भी दे दो यहाँ पे, चलो एग्जाम्पल दे देते हैं, सॉरी गाइस एग्जाम्पल दे देते हैं, अब ये मैं हटा नहीं सकता, ठीक है इसको बाद में कर लेता हूं मैं, सब लोग यहाँ पे देख लो, ठीक है इसका एक एग्जाम्पल, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है इसके ऊपर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दो इस फॉर्मूला के ऊपर, ठीक है सब लोग यहाँ पे देखो, हाँ लिख लो और एग्जाम्पल भी कर लो। चलो फटाफट पहले मुझे बता दो कि कोई एक मिरर है, इस मिरर के वजह से, ये एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के वजह से ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने रखा है, ऑब्जेक्ट है लेट्स से 20 सेंटीमीटर और उसके वजह से इमेज आई है। अब मुझे तो इमेज निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर पता होना चाहिए ना, तो यू शुड नो द रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह, ठीक है। अब मैं कुछ भी कर लेता हूँ यार, मतलब अभी ये जस्ट एक एग्जाम्पल, शायद से कॉनकेव मिरर नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है मैं आपको इन जनरल दे देता हूँ, ठीक है मतलब अपना क्वेश्चन फास्ट हो जाएगा, लेट्स से 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, नहीं 30 सेंटीमीटर कर लेते, चलो हाँ, तो अब मुझे एक बात बताओ इस क्वेश्चन में, इस या इजी करना है, चलो इजी कर लेते हैं, 40 सेंटीमीटर कर लेते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या दिखेगा, सब अब मैंने बोला ऑब्जेक्ट जो है, नाउ ऑब्जेक्ट इज मूविंग, नाउ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेट्स से 3 मीटर पर सेकंड, सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो ये फॉर्मूला लगा के मुझे बता दो, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद 3 मीटर पर सेकंड, सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज, क्या होगा यहाँ पे, कुछ नहीं यार फटाफट लगाओ काम खत्म, कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ है ही नहीं इसमें, कैसे करोगे भाई, वेलोसिटी ऑफ इमेज का फॉर्मूला है, ठीक है सो नाउ वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, तो माइनस, अब यहां पे देखो माइनस 40/20 का स्क्वायर, तो 40/20 का स्क्वायर, ठीक है वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, अब यहां पे माइनस माइनस तो वैसे भी कट होने वाला है राइट, तो 40/20 मतलब वी और यू का स्क्वायर है, स्क्वायर में मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, इधर एक को अब v को माइनस, v को प्लस लोगे, u को माइनस लोगे, लेकिन स्क्वायर तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख दिया वेलोसिटी ऑफ, ठीक है सो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है वो 3i कैप, बराबर ना 3i कैप, आई कैप में लिख दो अभी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ इमेज वेक्टर में चाहिए मुझे, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे -12 -12 i कैप राइट, सो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज गोइंग टू बी, सो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज गोइंग टू बी -12 i कैप, ठीक है मतलब क्या है इस तरफ, तो ये 12 मीटर पर सेकंड इस तरफ आना चालू होगी, तो ये 3 मीटर से जा रही है, तो 12 मीटर से जा रही है, देखो दोनों वेलोसिटीज सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट वेलोसिटीज आर डिफरेंट राइट गाइस, समझ में आ रहा है
बट आपका एक क्वेश्चन है अभी यहाँ पे, देखो इसका भी अगले पेज में दिखाने वाला हूँ। अभी क्वेश्चन है, कोई बोलेगा सर अब मुझे तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देखो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल है ना, बराबर वेलोसिटीज आर पैरेलल, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज दे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बट व्हाट इज दे आर मूविंग परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस की मूवमेंट होगी तो कौन सा फॉर्मूला आएगा। ठीक है भाई, उसके लिए अपने को और एक फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा बाय यूजिंग दिस, ये जो था ना मैंने लिखा था जिसको क्रॉस किया मैंने, उसको यूज करके परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। राइट, तो पहले तो ये कर लिया अपन ने, सेकंड फॉर्मूला भी डिराइव कर लेते हैं गाइस, सेकंड फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। लिखो, लिख के हो गया आपके, लिख के हो गया क्या? अरे कॉनकेव कॉन्वेक्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो आपको निकालना पड़ेगा, वो फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए यही फॉर्मूला वैलिड है। होम टूर बाद में, अभी नहीं, चलो ये तो सब करवाया था मैंने। ठीक है, शायद इसके बाजू में ही एक डाल देता हूं यहां पे, मतलब आजू बाजू में रहेंगे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ गाइस, एक बात बताओ, मैंने एग्जांपल टू ऐसे पूछा, ठीक है मैं एग्जांपल टू लिख रहा हूँ यहाँ पे, और किसी को बोला मैंने कि ये एक मिरर है, सब लोग यहाँ पे देखो एक मिरर है, और मैंने बोला कि ये एक ऑब्जेक्ट है, अभी ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से ऐसे, ऑब्जेक्ट देखो कहाँ पे जा रहा है, 3 मीटर पर सेकंड से ऐसे जा रहा, तो बोला कि भाई इमेज कैसे जाएगी, इमेज कैसे जाएगी, Now it is moving perpendicular to principal axis. तो इमेज कैसे मूव करेगी guys? इमेज कैसे मूव करेगी बताओ, कैसे पता नहीं, तो अपने को कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, नाउ वेलोसिटी ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, इस केस में गाइज, अब परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ, हाइट मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला, राइट, तो क्या होगा, Height of image divided by height of object is equal to क्या, माइनस वी बाई यू, याद है ना, माइनस वी और यू ये दोनों ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस है। सो अब देखो गाइस, ध्यान रखना, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या, माइनस वी बाई यू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सबको समझ में आ रहा है। तो मुझे बताओ जब ये ऑब्जेक्ट इधर उधर मूव होता है तो इसकी क्या चेंज होती है, हाइट चेंज होती है कि नहीं, अब मुझे तो ये डिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या, वी और यू डिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या, देखो ये समझना आपको जरूरी है, ये समझना आपको जरूरी है। लेट्स से इमेज यहां पे होगी, तो एक चीज आपको समझनी जरूरी है कि ये v और u चेंज हो रहा है क्या, ये सपोज u होगा, ये v होगा, जब ये ऐसे मूव करेगा तो v और u कांस्टेंट है कि नहीं, सो v और u, ठीक है नहीं, एक चीज दिमाग में रखनी है आपको कि v और u ये कांस्टेंट है, इसको टच नहीं करेंगे, कौन चेंज हो रहा है, कौन चेंज हो रहा है, हाइट चेंज हो रही है। ठीक है, मतलब किसी ने बोला चलो मैं काम करता हूं इधर दिखा देता हूं, ये मेरा सपोज ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी नहीं है, ऑब्जेक्ट उधर है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग नाउ, लेट्स से ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सपोज 3 मीटर पर सेकंड, और सपोज कुछ इमेज है, सपोज लेट्स से इमेज ऐसे है यहाँ पे, दिस इज द इमेज, तो मुझे बताओ इमेज का वेलोसिटी कहाँ पे रहेगा, तो अब यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो किसका करेंगे, डिफरेंशिएशन इसका होगा, राइट, डी एच बाई डी टी, माइनस वी बाई यू तो ऐसे ही रहेगा, विच इज कॉन्स्टेंट, उसको टच नहीं करेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई डी टी, बराबर कि नहीं। अब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज, समझ में आ रहा है, तो ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या, माइनस वी बाई यू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सबको समझ में आ रहा है, फॉर्मूला बन गया किसके लिए, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, समझ में आ रहा है, मतलब मैंने बोला, अब यहां पे आप देखो सेम चीज फॉर्म क्वेश्चन सेम लगा देते हैं अपन। ठीक है, ये कितना डिस्टेंस था, 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पे अपन पकड़ लेते हैं, ये 20 सेंटीमीटर है और ये 40 सेंटीमीटर है। चलो अब बताओ 40 सेंटीमीटर है, एक 3 मीटर जा रहा है, तो ये अब मुझे बताओ व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज बाय ऑब्जेक्ट। अब यहां पे आप देखोगे गाइस,
अब वेलोसिटी ऑफ जो इमेज होगी ठीक है इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। अब यहां पे देखो माइनस वी, तो वी क्या है 40 और यू क्या है माइनस 20, ये माइनस माइनस प्लस होएगा। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यहां पे कितनी दी है तो 3j कैप है राइट, ऐसा मतलब 3j कैप ठीक है। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 तो 6j कैप, तो आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आ जाएगी, तो फाइनल मेरा जो आंसर आएगा ये आप वेलोसिटी ऑफ इमेज पकड़ोगे, सो वेलोसिटी ऑफ इमेज की जो वैल्यू आएगी फाइनल वैल्यू जो आएगी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ माइनस माइनस प्लस, तो कितना आएगा 6j कैप। अब 6j कैप का मतलब क्या है, ऊपर जा रहा है देखो यहाँ पे गाइस, तो जो भी इमेज सपोज मैंने बोला कि यहाँ पे कुछ इमेज ऐसी फॉर्म हुई होगी, पता नहीं मुझे कहाँ पे फॉर्म होगी, लेट्स ऐसा पकड़ लेते मेरी इमेज ऐसे फॉर्म हुई होगी यहाँ पे ठीक है, तो जो इमेज है दिस इज मूविंग पैरेलल विद 6 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 6j कैप आंसर है ना, समझ में। हाँ हाइट कितनी भी होगा ऑब्जेक्ट इमेज कोई भी डिस्टेंस हाइट पे हो, हाइट का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है आपको, जिस भी हाइट पे वो रहेगा वहां से वो ये मतलब डायरेक्टली फॉर्मूला मिल जाएगा, तो दो फॉर्मूला अपने को मिल गए गाइस, समझ में आ रहा है ना, मुझे तो समझ में आ रहा है क्या। देखो दो अलग अलग फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट का, दिस इज वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड वेलोसिटी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब मुझे एक बात बताओ उल्टा ठीक है, किसी ने बोला मतलब क्वेश्चन में बोला कुछ एंगल में होगा, तो कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे, परपेंडिकुलर पैरेलल को अलग अलग करना पड़ेगा, बराबर की नहीं गाइस, चलो लिख दो इसको, लिख दो गाइस इसको लिख दो, हाँ आज शाम को सेंटर ऑफ मास गाइस पढ़ाऊंगा मैं, शाम को सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन गाइस पढ़ाऊंगा, सरप्राइज बाद में होगा दिया, अभी नहीं हो पाएगी। अभी शादी भी तो सरप्राइज नहीं है, कुछ भी बोलते हैं सर आपकी शादी तो सरप्राइज नहीं है ना, कोई बोलने लगा नहीं नहीं टेंशन मत लो, चलो सबको समझ में आया, सबको समझ में आया गाइस, हाँ मैं टाइप बहुत फास्ट करता हूं ठीक है। अब मुझे तो एग्जांपल 3 सब लोग यहां पे देखो एग्जांपल 3 करते हैं ठीक है, ऐसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं सब लोग यहां पे देखो, कोई भी ये भी कोई भी मिरर है, एक जस्ट एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल ठीक है, और मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सम लेट्स से सम वेलोसिटी लेट्स से जस्ट एग्जांपल 4√2 मीटर पर सेकंड, एकदम इजी करने के लिए मैं 45 डिग्री एंगल पे लेता हूं 4√2 मीटर पर सेकंड, दिस इज माय ऑब्जेक्ट ठीक है, एंड लेट्स से ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस लेट्स से 40 सेंटीमीटर
तो जो इमेज है, इमेज फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज. अब इमेज जो है, ठीक है, अब ऐसा दिया जाएगा कि सपोज लेट्स से रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है. अब द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लेट्स से कुछ भी ले लो 20 सेंटीमीटर. ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर. तो मुझे बताओ, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 40. तो मुझे बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, ये दिया है, तो क्या निकालना पड़ेगा इसमें? फटाफट क्या निकालना पड़ेगा? पहले फॉर्मूला से इमेज डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, एंड देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज. इमेज की वेलोसिटी निकालनी है आपको. कैसे करोगे? फटाफट निकालो, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दिया है 45 डिग्री पे 4√2 मीटर पर सेकंड, u 40 सेंटीमीटर. तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज. हाँ, इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप निकालो आंसर. इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप निकाल दो. ठीक है, दो फॉर्मूले, दो क्वेश्चन. पहले एक फटाफट यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मुझे तो क्या करोगे, 1/v. यहाँ पे क्या करोगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r करके पहले v निकाल दोगे. v की वैल्यू कितनी आई, v की वैल्यू कितनी आई गाइस? इसमें u माइनस 40 डाल दो, r माइनस 20 डाल दो. उसमें भी लोगों ने गलती करना चालू की यार, देखो मतलब कुछ होता नहीं है तब तक गलतियां सब चालू कर लेते हैं यार. ठीक है, सो 1/v की वैल्यू क्या हो जाएगी, u की वैल्यू है माइनस 1/40, तो माइनस 1/40 2/r, 2/-20. ठीक है, तो -1/10, तो 1/v की यहाँ पे वैल्यू क्या आई, -1/10 प्लस 1/40, ये आई ना कुछ, तो 4 -40/3. तो आंसर कितना है, आंसर कितना है, -40/3. v इज इक्वल टू कितना है, ठीक है, तो v आया -40/3. अब मुझे तो v -40/3 आया. अब v -40/3 मतलब क्या, v भी इधर ही आया, मतलब इमेज ऑब्जेक्ट है इधर, तो इमेज भी इसी तरफ आई, कहीं पे आई होगी. ठीक है, इमेज भी इधर ही कहीं तो आई, लेट्स से इधर इमेज आई कुछ, ये हो गई इमेज. अब और वो कितनी आई, माइनस ये 40/3 सेंटीमीटर पे. देखो दोनों माइनस, यू भी माइनस, वी भी माइनस. ठीक है, चलो अब ये दोनों आ गए. अब क्या करना है अपने को, दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये होगा, ये वेलोसिटी 4√2, तो ये 4 मीटर पर सेकंड है, ये एक 4 मीटर पर सेकंड है, राइट? तो दोनों करना पड़ेगा भाई. एक का फॉर्मूला पता है, ये पैरेलल कंपोनेंट है, ठीक है, तो ये वेलोसिटी पैरेलल है, ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर है ऑब्जेक्ट की. ठीक है, तो पैरेलल के लिए क्या करते हैं, पैरेलल के लिए कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला देखो, पैरेलल के लिए ये वाला था, माइनस सिंबल तो था ही यहां पे, लेकिन क्या था, फॉर पैरेलल और इमेज की वेलोसिटी पैरेलल निकालनी है मुझे, तो क्या फॉर्मूला है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -v² / u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, बराबर ना? तो ये 4 आई कैप है, तो आंसर कितना आ गया यहां पे, 40/3 का स्क्वायर बाय 40 का स्क्वायर, मतलब यू स्क्वायर, सॉरी, तो बाय 9 ना, बाय 9, राइट? तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय 9, मतलब 4/9, बराबर कि नहीं? तो वेलोसिटी ऑफ इमेज की डायरेक्टली वैल्यू क्या आई, -4/9
आई कैप, बराबर की नहीं? ये सबको समझ में आ रहा है क्या? एंड वेलोसिटी ऑफ परपेंडिकुलर इमेज, इसकी वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ अगेन इमेज, ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस वी बाई यू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सबको समझ में आ रहा है? दोनों माइनस माइनस साइन के तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, वन बाई थ्री, बट माइनस वन बाई थ्री गाइस, माइनस वन बाई थ्री है यहां पे। एक मिनट, मुझे मैंने कुछ गलती किया क्या गाइस? ये प्लस है, प्लस, सॉरी, ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है, ये फोर बाय नाइन आई कैप है, ये बराबर है, ये कुछ गलती, नहीं नहीं सॉरी, मैंने ऊपर नहीं, ये सॉरी गाइस, यहां पे देखो, नहीं नहीं यहाँ पे देखो, ये वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर करके अपन ने किया, तो वन बाय नाइन का रहेगा यहाँ पे, वन बाय नाइन, तो और ये फोर मीटर पर सेकंड है, ठीक है, तो फोर आई कैप, माइनस साइन तो ही यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस साइन डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे वी बाई यू करेंगे तभी भी कुछ नहीं, वन बाई थ्री रहेगा, तो यहाँ पे माइनस वन बाई थ्री रहेगा, माइनस वन बाई थ्री वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है इस केस में? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फोर जे कैप है, ठीक है, तो माइनस फोर बाई थ्री जे कैप, इसका आंसर आएगा माइनस फोर बाई थ्री वेलोसिटी ऑफ इमेज। ध्यान में रखना, ये जो चीज है ये पैरेलल वाली है, ये चीज परपेंडिकुलर वाली है, समझ में आ रहा है? तो फोर बाई थ्री एंड फोर बाई नाइन एंड फोर बाई थ्री इस तरीके से जाएगा गाइस, देखो इस तरीके से जाएगा, ठीक है, तो जो इमेज आएगी इस तरीके जाएगी, ये फोर बाई नाइन से जाएगी ऐसे, 4 बाय 9 मीटर पर सेकंड होगा, और ये 4 बाय 3 मीटर पर सेकंड। सबको समझ में आ रहा है? तो एक्चुअल में क्या होगा इन दोनों का, इन दोनों का क्या होगा एक्चुअल में, इन दोनों का वेक्टर एडिशन, ठीक है गाइस? जिनको ये नहीं आया, देखो आपको समझ में आया कि फॉर्मूला कैसे लगा है, बराबर, फॉर्मूला कैसे लगा है वो समझ में आया, बट ये वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, तो अब देखो ना यार, एक 40 एक 40 बाई थ्री, तो 40 40 कैंसिल, 1 बाई थ्री का स्क्वायर क्या होता है? 1 बाई नाइन होता है ना, इसलिए 1 बाई नाइन आया यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्वायर नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट है, ठीक है। वेलोसिटी का चीज समझ में आई कि नहीं भाई? वेलोसिटी की चीज समझ में आई कि नहीं आई? मुझे तो अब लेंस का सेम है कि नहीं भाई? लेंस हो या कोई भी हो, एकदम मेथड सेम है। कोई बोलेगा सर लेंस का आप बता दो, मतलब लेंस का बता दो, मतलब लेंस का क्वेश्चन नहीं करूंगा मैं, सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा। कोई बोलेगा सर लेंस का आप बता दो गाइस, लेंस का कैसे होगा? अब जो भी है गाइस, जिन लोग को ये नहीं आया, देखो एडवांस, अगेन एडवांस प्लस लेक्चर, जिन लोग को नहीं आया स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से करो, क्वेश्चन मैंने यहां पे सॉल्व करके दिखाया, खुद से कर लो, उतना टाइम नहीं है, मैंने आज वैसे भी आप अपना आराम आराम से ही कर रहे आज, लेंस को कट कर, नहीं कट कर सकते हैं, लेकिन फटाफट देख लो यहाँ पे, ठीक है, लेंस को कट भी कर देते हैं, चलो फटाफट पहले यहाँ पे देख लो लेंस के लिए क्या होगा। लेंस के एकदम फॉर्मूला, एकदम 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 सिंपल, लेंस का फॉर्मूला क्या होगा मुझे बताओ, जो भी फॉर्मूला है, वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ, तो मुझे बताओ सपोज इसके लिए फॉर्मूला बनाना है लेंस के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस वन बाई वी स्क्वायर डीवी डीवी बाई डीटी, यहाँ पे माइनस वन बाई यू स्क्वायर, और माइनस वन बाई यू स्क्वायर को इधर प्लस हो जाएगा, डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो,
तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, यहाँ पे कोई भी माइनस साइन नहीं है, राइट? ठीक है, दिस इज पैरेलल, वेलोसिटी पैरेलल टू वेलोसिटी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बराबर, पैरेलल का ये वाला फॉर्मूला बन गया। परपेंडिकुलर का क्या बनेगा, परपेंडिकुलर कुछ नहीं, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। सो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वी बाय यू, ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू वी बाय यू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो एकदम सिंपल, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा आंसर, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वी बाय यू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, काम खत्म। देखो दो फॉर्मूले यहां पे बन गए इसके, सबको समझ में आ रहा है क्या है? सबको समझ में आ रहा है क्या है? ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये समझ में आया, लेंस हो गया, लेंस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, लिख दो फटाफट। ठीक है गाइस, कोई बोलेगा सर रिफ्रैक्शन सरफेस का बताओ, रिफ्रैक्शन सरफेस का बताओ, सॉरी यू स्क्वायर, रिफ्रैक्शन सरफेस का बताओ, रिफ्रैक्शन सरफेस का तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन एट दिस सरफेस रहेगा तो भी क्या होगा, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस रहेगा, अरे निकाल सकते हो ना, क्या है उसमें, कोई बोलेगा कुछ नहीं, रिफ्रैक्शन का भी क्या होगा, रिफ्रैक्शन वाला जो फॉर्मूला है सेम मेथड, सेम मेथड समझ में है, कैसे निकालना है इमेज एंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटीज कैसे निकालना है समझ में है, इमेज एंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटीज निकालने कैसे आया समझ में है। अब इसमें कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, इसमें कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी होता है जो आता है गाइस, ठीक है, सब लोग यहां पे देखो रिफ्लेक्शन का क्या होता है, रिफ्लेक्शन का भी मुझे एक छोटा सा फॉर्मूला, अब ये आपको खुद को करना है, ये मतलब मैं वापस बता रहा हूँ, ये रिफ्लेक्शन इमेज एंड ऑब्जेक्ट ये सब नीट वगैरह में नहीं आता, ठीक है, इवन जेई मेन में भी नॉर्मल लेवल पे मतलब नहीं पूछते लोग, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, मतलब पता होना, मतलब जेई एडवांस वालों के लिए है। सो रिफ्लेक्शन वापस वही म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू क्या, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, अब क्या करोगे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे, सिंपल मैग्निफिकेशन के लिए भी सेम करोगे अभी, अब तुम खुद करो ना यार, खुद करो ना, तुम लोग क्या करोगे यहाँ पे, इसका आंसर क्या होगा, ये म्यू टू रहेगा, म्यू टू बाई वी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे माइनस दिया तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस म्यू वन बाई यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, सबको समझ में आ रहा है क्या, इस तरीके से फॉर्मूला बन गया ना, तो मतलब ऐसा एक रिफ्लेक्शन, ऐसा मतलब क्वेश्चन देखो, एक रिफ्लेक्शन सरफेस भी रहेगा और ये म्यू वन म्यू टू रहेगा और यहाँ पे भी सपोज ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इमेज भी यहाँ पे मूव करेगी और इसका ऑब्जेक्ट एंड इमेज का जो रिलेशन होगा ये हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो ये रिफ्लेक्शन वाला तो मैंने बता दिया, आप खुद कर सकते हो, मैग्निफिकेशन का तो आप खुद कर सकते हो पैरेलल वाला, ठीक है, समझ में, मतलब कैसे क्वेश्चंस को क्रैक करना है वो समझ में आया, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वेलोसिटी के, तो वेलोसिटी कभी दिखाई दिया अच्छे क्वेश्चंस में, तो डरना नहीं है, सिंपल कैसे, मतलब इसमें कुछ है नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, मतलब थोड़ा दिमाग लगाना होता है, जो आपको मैंने बता दिया, इसमें दिमाग कब लगाना पड़ता है गाइस, ठीक है गाइस, दिमाग कब लगाना पड़ता है, कोई बोल सकता है दिमाग कब लगाना पड़ेगा, इसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा गाइस, जब ये हो, ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो क्या होगा, इसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा, जब एक मिरर है, सब लोग यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे जो दे रहा हूं, सिर्फ मैं प्लेन मिरर के केस दे रहा हूं आपको, ये सेम चीज जो मैं यहाँ पे भी एक क्वेश्चन को जो वैलिड करूंगा, ये हर एक चीज क्या होगा, सबके लिए वैलिड हो जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिया, ये दिया मैंने वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, लेट्स से मैंने दिया 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मिरर जो है ना वो फिक्स थी ना, अब तक के सारे क्वेश्चन में मिरर जो कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर लेंस सब कुछ फिक्स था कि नहीं, मूव नहीं कर रहा था भाई, मिरर या लेंस कुछ मूव नहीं कर रहा था, फिक्स था, अब यहाँ पे ये जो मिरर है ये भी मूव कर रही है, देखो मिरर इज मूविंग, वेलोसिटी ऑफ मिरर दिया है कुछ 4 मीटर पर सेकंड, क्या हो गया, मिरर मूव कर रहा है, ठीक है, सो नाउ दिस इज मिरर,
विच इज मूविंग, वेलोसिटी ऑफ मिरर 4 मीटर पर सेकंड, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मिरर भी मूव कर रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ इमेज कैसे मूव करेगी। हाँ बस इसको रिलेटिव वेलोसिटी से करना होता है, ठीक है। इसका एक सिंपल तरीका है, इतना शॉर्टकट तरीका भी है, इसका शॉर्टकट तरीका पता है, मतलब बिना कुछ देख के, बिना कुछ देख के मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, बिना कुछ देख के मैं आपको, मतलब इसका मैं डायरेक्टली वेलोसिटी ऑफ इमेज डायरेक्टली मतलब ऑन द स्पॉट मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन लेकिन आपको कैसे करना है मैं बताऊंगा। 1 मिनट, 5% की बैटरी कैसे रही है? पूरी बैटरी मेरी चार्ज हुई थी उसके बाद 5% रही, मतलब आप अभी शायद गाइस कट करने वाली चीज अगले लेक्चर में होगी मुझे लगता है, क्योंकि बैटरी मेरी 5% हो गई, ठीक है। ये था वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ मिरर 4 मीटर पर सेकंड। हाउ टू गेट इट, तो मुझे बताओ रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। सो यू हैव टू कीप, मतलब देखो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा गाइस, ये पूरा का पूरा मिरर, इस क्वेश्चन को कैसे आपको करना पता है, पहले इस मिरर को पूरा का पूरा रेस्ट में कर दो। मुझे तो मिरर को रेस्ट में जब करते हो तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर करना पड़ेगा कि नहीं। इसको रेस्ट में कर दिया मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर ये करना पड़ेगा, कितना है देखना पड़ेगा, कितना है मुझे तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर कितना होता है। सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है। तो आप यहां पे देखोगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2i कैप, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज -4i कैप, तो मुझे तो आंसर कितना है -2i कैप। सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर कितना आया, -2i कैप आया, -2i कैप आया मतलब कहां पे गया बताओ। तो मेरा जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है वो ये आया कितना, 2 मीटर पर सेकंड, ऐसे समझ में आ रहा है क्या बैकवर्ड। तो मुझे तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू -2i कैप आया, तो मुझे बताओ इस केस में, इस केस में वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर भी कितना आएगा, अरे सेम ही आएगा ना, क्योंकि जो भी मैंने अब तक का फॉर्मूलाज डिराइव किया, सब लोग देखो जो मैंने अब तक तो फॉर्मूले डिराइव किया वहां पे सारे जो मिरर लेंसेस सब कुछ रेस्ट पे थे, तो यहां पे ये 2 मीटर पर सेकंड आया इस तरीके से। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला अपने को ये पता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये फॉर्मूला मैंने डिराइव किया हुआ था, राइट। तो जो भी मैंने फॉर्मूला डिराइव किया है विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है वो, तो ये सारे जो फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे डिराइव किए ना, कौन से वाले, ये साले सारे, ये सारे फॉर्मूले देखो, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, मतलब मिरर यहाँ पे रेस्ट पे है। तो ध्यान में रखना इन सारे फॉर्मूला में, कभी एडवांस में अच्छा क्वेश्चन आया तो ये सब कुछ चीज इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर होती है, ये भी क्या होता है ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर होता है, आपको समझ में आ रहा है। सॉरी, ये मिरर मतलब ये लेंस, इस केस में लेंस, इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस, ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस, समझे, मिरर में मिरर, ठीक है। अब लेकिन ये तो आया ना भाई, ये तो आया, ये तो ये आया, एक्चुअल क्या होगा फिर भाई, एक्चुअल मुझे तो वेलोसिटी ऑफ मिरर का तो एक्चुअल, मुझे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज एक्चुअल चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, अब यहां पे देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज, सो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये कितना आया 2i कैप, तो इधर 2i कैप लिख दो, मिरर की वेलोसिटी कितनी है 4i कैप है, 4i कैप, तो आंसर कितना है यहां पे 6i कैप, तो मेरा आंसर कितना आएगा 6। आपको पता है इस क्वेश्चन का जो आंसर है इट इज 6, इस क्वेश्चन का जो आंसर है इट इज 6i कैप, तो यहां पे एक्चुअल जो वेलोसिटी ऑफ इमेज रहेगी दैट इज 6 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स, पहले आपको मिरर को रुकाना पड़ेगा, मतलब मिरर को रेस्ट में लेके आना पड़ेगा, तो हर एक चीज वेलोसिटी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर ऐसा आएगा, फिर बैक, फिर कन्वर्जन वापस आएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज का, तो दो स्टेप्स में इसका आंसर आएगा, और फाइनली मेरा आंसर कितना है 6 मीटर पर सेकंड। इसका एक सिंपल तरीका है जो अगले लेक्चर में दूंगा, और लेंस को कट वगैरह करना और थोड़ा सा उसके लेंसेज के साथ खेलना, डबल वो ग्लास लैब डालो, फिर कुछ कुछ सिल्वर करो, वो सब कुछ भी बताना है मुझे, ठीक है। आज पूरा का पूरा लेक्चर वेलोसिटी में ही चला गया, ठीक है, ओके गाइस। और बाद में मैं क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन तो बहुत सारे अलग अलग लेवल के बनते हैं।
अब इसमें ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा तो ये भी सर्कुलर मोशन ही करेगा, हाँ, बट उस केस में मतलब जैसे मिरर और उस केस में सर्कुलर मोशन करेगा तो हालत खराब हो जाएगी, हर एक इंस्टेंट का निकालना पड़ेगा तुमको, ठीक है? मुझे तो लेकिन समझ में आया तुमको सब कुछ, थोड़ा बहुत समझ में आया क्या है, ठीक है? चलो सेंटर ऑफ मास के लेक्चर में मिलते हैं। सेंटर ऑफ मास शशांक सर कंटिन्यू कर रहे थे लेकिन अभी मैं कंटिन्यू करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला सर आप कंटिन्यू कर लो, तो सेंटर ऑफ मास कोलिजन एंड रोटेशनल मोशन मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? मैं पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है? तो क्विकली मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा सेंटर ऑफ मास जो उन्होंने पढ़ा है उसका, ठीक है? चलो गाइज मुझे लगता है कि एक बंद हो गया, शट डाउन हो गया मोबाइल, बाय गाइज।